नमस्कार, वेब दुनिया खेल समाचार में आपका स्वागत है। विश्व कप के अगले पड़ाव में भारत का मुकाबला होने जा रहा है वेस्टइंडीज से, तो आइए जानते हैं कितना अहम है ये मुकाबला। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया लगातार जीतकर अपना जलवा बरकरार रखे हुए है। वर्ल्ड कप 2015 में लगातार 3 लीग मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने अपनी विपक्षी टीमों को चेता दिया है कि पिछले बार के विजेता खिताब बचाने के लिए जान लड़ा देंगे। टीम इंडिया का अगला मुकाबला पर्थ में वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा, जहां उसे कैरेबियाई टीम से कड़ी चुनौती मिलने की संभावना है। वेस्टइंडीज अपने ग्रुप में 2 मैच जीतकर आयरलैंड के बाद चौथे स्थान पर काबिज है। ऐसे में वेस्टइंडीज टीम भारत के खिलाफ उच्च श्रेणी का प्रदर्शन कर अपनी पोजीशन ग्रुप में मजबूत करना चाहेगी। आपको बता दें कि क्रिस गेल जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन की एक बेहतरीन पारी खेल चुके हैं, जिससे कि वेस्टइंडीज टीम की पूरी उम्मीदें क्रिस गेल पर होंगी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाने वाली वेस्टइंडीज टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी तरह से फेल नजर आई। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने पहले तो इंडीज की गेंदबाजी को ध्वस्त किया, फिर बल्लेबाजी को। ऐसे में वेस्टइंडीज को विश्व कप 2015 में अब तक कोई मैच न गंवाने वाली भारतीय टीम के सामने संभल कर खेलने की जरूरत है। वहीं भारतीय टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अगर वेस्टइंडीज के मैच के पहले ठीक हो जाते हैं तो भारतीय टीम की गेंदबाजी क्रम को और भी मजबूती मिलेगी। रोहित शर्मा का फॉर्म में लौट आना भी भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है। भारतीय टीम का स्लॉग ओवर्स में प्रदर्शन अभी तक खेले गए मैचों में बहुत खराब रहा है, जैसे कि टीम 300 के आसपास ही सिमट जाती है। ऐसे में अगर भारतीय टीम अपनी कमजोरी को पाटने में सफल हो जाती है तो 350 तक का स्कोर भारत को मनोवैज्ञानिक लाभ जरूर पहुंचाएगा। वैसे तो भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन अगर वेस्टइंडीज को पटकनी देने में कामयाब हो पाता है तो भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ क्वार्टर फाइनल में बड़ी टीम का मुकाबला करेगा, जो भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये थे आज के वेब दुनिया खेल समाचार। वर्ल्ड कप संबंधित और खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।